कस्टम ऑफिसर अली हाशिम बोल रहा हूँ। क्या कहा? शहर से 20 मील दूर पुरानी हवेली में? देखो कोई आदमी बचकर निकले ना पाए, मैं खुद ही पुलिस को लेकर पहुंच रहा हूं। भाग गया लेकिन जलाल उनका पीछा कर रहा है। चौक में सिपाही मौजूद है ना? जी हाँ। अच्छा ये सामान कस्टम ऑफिस पहुंचा दो। जरा देर हो गई माँ, वो नासिर सो गया है क्या? नहीं, अपने कमरे में पढ़ा है। लेकिन ये थैला कैसा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं माँ। तुम इस कदर परेशान मालूम होते हो, क्या बात है? बात दरअसल ये है माँ कि गुमनाम और पुरिसरार मुजरिम ने हमें बहुत देर से तंग कर रखा था, आज हमने उसका खोज लगा लिया है। मुजरिम हमारे हाथ में तो नहीं आया लेकिन मेरी नजर में जरूर आ गया। इससे परेशान होने वाली कौन सी बात है? काश उस मुजरिम का केस मेरे हाथ ना आता। क्यों, कौन है वो? क्या तुम उसे जानते हो? यही तो मुसीबत है माँ कि मैं उसे जानता हूँ। अपनी जान बचाकर तुमने हमें मौत के मुंह में डाल दिया। तुम खुद भाग आए लेकिन वो थैला वही छोड़ा जिसने हम सब की जाने बंद की। लेकिन मैंने अली हाशिम को वार्निंग दे दी है। वार्निंग? क्या तुम समझते हो अली हाशिम वार्निंग से डर जाएगा? बेवकूफ, वो मेरा बेटा है, उसने डरना नहीं सीखा। तो फिर मेरा ख्याल है कि बेटा बाप की जिंदगी को कानून के बेरहम हाथों में खेलने नहीं देगा। तुम्हारा ख्याल गलत है जाफर। बाप और बेटे का रिश्ता तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने अली हाशिम की माँ को तलाक दे दी थी। तो फिर अब क्या होगा? अब सिर्फ सौदा करना बाकी रह गया है। अली हाशिम को इन दो चीजों में से एक जरूर कबूल करना होगी, मेरी दौलत या फिर अपनी मौत। अली हाशिम, आज जो थैला रेड के दौरान तुम्हारे हाथ लगा है, रात के 12 बजे तक ग्रीन होटल पहुंच जाना चाहिए, वरना ये थैला तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगा। तुम्हारा एक खैरखा। आप बगैर इजाजत आने की माफी चाहता हूँ। तशरीफ रखिए, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। रुपया कमाओगे? मैं आपका मतलब नहीं समझा। अनजान बनने की कोशिश न करो हाशिम, नहीं वो गुमनाम मुजरिम जिसकी हुकूमत को अच्छे से चलाई। शराब नोशी और जुए की आदत से तुम पहले ही वाकिफ। आज थैले ने मेरे कारोबार का राज तुम पर जाहिर कर दिया होगा।
लेकिन मैं ये राज तुमसे खरीदना चाहता हूँ। डैडी आप इसे जेब में रखिए, शायद जुए की एक बाजी चल जाए। मैं राशि नहीं और ना ही अपने फर्ज को बेचता हूँ। बेवकूफ फर्ज किसी भूखे का पेट नहीं भर सकता। इंसानों की मंडी में हर चीज बिक जाती है। रुपया वो तराजू है जिसमें इंसान और उसका ईमान दोनों तुल जाते हैं। बोलो, अगर कीमत कम है तो मैं दाम बढ़ा भी सकता हूँ। मेरा फर्ज बिकाऊ माल नहीं डैडी, आप किसी गलत जगह चले आए। अहमक न बनो हाशिम, जिंदगी में रुपया कमाना सीखो। मैं तुम्हें इतनी दौलत दे सकता हूँ जिससे तुम एक शानदार बंगला तामीर कर सको। माँ और भाई को लेकर कब तक इस किराए के मकान में पड़े रहोगे? आपको अभी तक हमारा इतना ख्याल? मैं तो समझता था घर से निकाल कर आपने हमें दिमाग से भी निकाल दिया होगा। क्या अम्मी और नासिर को बुलाऊं? वो भी आपको अक्सर याद किया करते। मैं वक्त जाया करने नहीं आया, थैला मेरे हवाले कर दो। ये तो कानून की इमानत है डैडी, आपको कैसे दे दूं? कानून इस वक्त मेरी पिस्तौल की जद में है। और याद रखो, लोहे की आंख बाप बेटे का रिश्ता कभी नहीं देखती। मुझे गोली मार कर क्या उस गरीब औरत का आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहते हैं जिसे आपने घर से धक्के देकर निकाल दिया था? क्या आपको मासूम नासिर पर भी तरस ना आएगा जो अपने बाप की जिंदगी में अपने आप को यतीम समझ रहा है? सोचिए, अगर मैं न रहा तो वो दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे, उन्हें कौन सहारा देगा? क्या आप चाहते हैं कि मेरी माँ सड़कों पर भीख मांगती फिरे और आपका बेटा, आपका अपना खून, किसी यतीम खाने में परवरिश पाए? लोग शेख सुलेमान की बीवी और बेटे को हकीर और फकीर समझकर भीख दिया करें? डैडी, आप कानून को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं, जो सब कुछ देखता और सुनता है। याद रखिए, एक दिन वही आपसे मेरे खून का जवाब भी तलब करेगा। तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं अपनी जिंदगी से जुआ नहीं खेल सकता। मैंने सिर्फ जीतना सीखा है, हारना नहीं। बाप तो बेटे के सर पर चेहरा देखने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन आप ऐसे बाप हैं जो जवान बेटे को खून में उथल देकर अपनी हारी हुई बाजी जीतना चाहते हैं। डैडी, अगर मेरी मौत से आपको जिंदगी मिल सकती है तो लीजिए, मेरा सीना हाजिर है, चलाइए गोली। तुमने मुझे अजीब इम्तिहान में डाल दिया है, मुझे जरा सोच लेने दो। अफसोस इस बात का है, कातिल भाग निकलने में कामयाब हो गया। क्या तुम शेख सुलेमान से मिल चुके हो? जी हाँ, वो बेचारा खुद बेहद परेशान है। क्यों नहीं, जवान बेटे की मौत का सदमा बाप की कमर तोड़ देता। मालूम होता है इस वाक्य के पीछे को गहरी साजिश काम कर रही। खैर कोई बात नहीं, मुजरिम ज्यादा देर तक कानून की निगाहों से ओझल नहीं रह सकता। दो, ये तो मैंने जीत लिया। मैंने निशाना गलत लगाया है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं देते खैर। एक तो तुम लोगों ने कई माह से मकान का किराया नहीं किया, इधर तुम्हारा ये ला गया, मेरे बेटे की जान का दुश्मन बना हुआ है, इसे संभाल कर रख वरना खून हो जाएगा मुझसे। खुदा के खौफ से डरिए शेख साहब, औलाद सबकी प्यारी होती है,
आप दूसरों के बच्चों के लिए मुझसे ऐसी बातें क्यों निकालती हैं? बस बस, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया और न ही आपकी मैं सौंप पालना चाहता हूँ। मुझे तुम जैसे किराएदारों की जरूरत नहीं। किसी वक्त खाली कर दो मेरा मकान, सुनती हो? लेकिन इतनी जल्दी हम मकान खाली करके कहाँ जाएं? जहन्नम में जाओ। अगर शाम तक मकान खाली न हुआ तो याद रख पुड़िया, कहते कर निकाल बात सुनना बेटा। अम्मी तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे लाल, यही ख्याल आ गया कि आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो ये लोग हमारे साथ ऐसा सुलूक कभी न करते। तुम कहाँ से आ रहे हो? ये तुम्हारे हाथों पर निशान कैसे हैं? माँ, मैं पढ़ने गया था मगर मास्टर ने मुझे मारकर निकाल दिया। वो कहते हैं तुम चोर हो। हम गरीबों को सब चोर ही समझते हैं बेटा, मगर तुम गए क्यों थे? मैं पढ़ना चाहता हूँ माँ। अब तुम्हें कौन पढ़ाएगा बेटा? मेरी जिंदगी कोई ढंग की मेहमान है। एक बेटे का अंजाम तो अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, न जाने मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। ना जाओ मेरे लाल, मत जाओ। रुक जाओ ना रहे। मेरी माँ सख्त बीमार है डॉक्टर साहब, खुदा के लिए जल्दी दवा दीजिए वरना मेरी माँ मर जाएगी। दवा के लिए पैसे लाए हो? मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर साहब। जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ। मेरा बाप तो मर चुका है डॉक्टर साहब। मेरा बाप मर चुका है तो माँ को भी मर जाने दो डॉक्टर साहब। अरे आंखें दिखाते हो, मेरे को खराबी अस्पताल का रखा है, दूर हो गए यहाँ। Thank you.
मेरा नाटक कहाँ है? नाटक? कौन नाटक? तू मेरे नाटक को नहीं जानते? वो मेरी जान है, मेरा बेटा है, वो मेरा लाल है। मैं अपने नाटक के पास जाऊंगी, वो घर अकेला होगा, मैं अपने नाटक के पास जाऊंगी। अरे पकड़ो से, है कोई? मालूम होता है पागल हो गई है। अरे भाई जरा सिगरेट के लिए माचिस देना। ए मिस्टर। बड़े बदतमीज हो जी तुम। ओ तो आप मिस्टर नहीं मिस हैं। शट अप। मैंने कहा हुजूर, झूठे को मनाना और बिगड़े को बनाना ही पड़ता है। आपकी इजाजत हो तो कुछ मैं सेवा कर दूं। सच कहा है किसी ने, औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल ठीक, और मर्द औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या ख्याल है आपका? मैंने कहा हजूर तशरीफ ले जाइए, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आप गर्म क्यों हुई जा रही हैं? मालूम होता है इस मोटर से ज्यादा आपका दिमाग खराब हो गया है। और हाँ, किसी ने खूब कहा है, ऐसी हालत में औरत के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बहरहाल आप अपनी मदद आप कीजिए, मैं तो चला। गुड बाय। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। आखिर आपको हमारी जरूरत आ ही पड़ी। बस, मैं सब समझ गया। अब आप न सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करेंगी, बल्कि मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर मेरे बंगले वाका माल रोड पर छोड़ेंगी ना? अब वो तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। वहां पहुंचकर मैं आपका शुक्रिया अदा करके आप बखुशी कबूल करेंगी और इस तरह हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। माफ कीजिएगा, आप इतने खूबसूरत नहीं है जो सब बातें एक साथ मान ली जाए। और दूसरा, ये प्राइवेट गाड़ी है, कोई टैक्सी नहीं। अगर जनाब ने आना ही है तो पैदल आ जाइए। हाय हाय, इतना बेदर्द जमाना है। चलो नासर मियां, देखी करते जाओ और समुद्र में डालते जाओ। लगाए जाओ, खिलाए जाओ, मैं सब जानती हूँ, दुनिया की चाल का जानती हूँ। सुनो, मैंने तुम्हें जरूर कहीं देखा है। मुझको देखा है? अरे बुढ़िया, मैं तो इस शहर में आज ही आया हूँ। मैं सब जानती हूँ, दुनिया की चाल पहचानती हूँ, तुम जरूर यहाँ किसी की तलाश में आए हो। जाओ, सीधे चले जाओ, अपनी मंजिल पर पहुँच जाओगे। पागल मालूम होती है। मैं भी पागल और तुम भी पागल और ये मकान तुम्हारा भी पागल। लीजिए मिस मेरी, ये जो चाय आपके लिए लाया हूँ पूरी वर्ल्ड में नहीं मिलती। तुमसे तो पूरा वर्ल्ड में नहीं मिलता, बस क्रीम होटल में मिलता है। इस पेस्ट्री के लिए क्रीम हम अनेक से मंगाता है। ये देखिए क्रीम रूम। वंडरफुल मिस्टर मजनू, इसलिए तो हम अपना फ्रेंड को इस होटल में लाता है। क्या ये सब आपका फ्रेंड है? यस मजनू, ये सब हमारा फ्रेंड है और तुम्हारा भी फ्रेंड है। ये मिस लली, मिस रोजी और मिस जीना लोलो। जीना लोलो, अच्छा तुम इसमें तुम ऐश बताओ, कैश करो, हम चलता है बात लेता है। ओके मिस्टर मजनू। Thank you.
क्यों बे, ये बासी माल कहां से उठा रहा है? बासी माल बॉस? वाह, अरे सारी बॉस आप नहीं, ये तो सब की सब अपनी फ्रेंड है। फ्रेंड फ्रेंड है ये? तो फिर अपने साथ इनकी दोस्ती करा दो ना, ऐश करेंगी ऐश। वो तो मैं करवाई ना हम बॉस, आप किसी चीज की फिक्र न करें। सोचना तो ये है कि प्रोग्राम शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया है, मगर अभी तक नीला नहीं आई। नीला नहीं आई? हाँ, तो फिर वो गई कहाँ? गाड़ी लेकर सैर करने के लिए गई थी। मालूम होता है कोई बड़ा लंबा चौड़ा सैर है। मजनू तुम फिक्र ना करो, थोड़े दिनों की बात है, मैं इसका बंदोबस्त करने ही वाला हूँ। अच्छा, ये अभी अभी आप ही का जिक्र हो रहा था, मजनू बहुत परेशान था और मैंने सोचा कि खुदा ना खास्ता। वापसी पर गाड़ी खराब हो गई थी जिसकी वजह से रुकना पड़ा। मेरा भी यही ख्याल है कि कोई हादसा हो गया होगा, वरना नीला कभी लेट नहीं हो सकती। और फिर आप तो जानती हैं कि होटल से आपकी गैर हाजिरी मुझे कितना बेचैन करती है। मिस्टर जाकर, किसी पैर से आप मेरे कमरे में काफी भिजवा दीजिए, मुझे डॉक्टर के लिए जल्दी तैयार होना है। बहुत बेहतर। मिस्टर मजनू हम जाटा। तो क्या तुम मिस नीला का दांत नहीं देखना मानता? पूरी वर्ल्ड में ऐसा वंडरफुल दांत नहीं होता। डांस? लेकिन आज हमारा जरूरी अपॉइंटमेंट है, हम फिर कभी आएंगे डांस देखने। तुम्हारा पेस्ट्री और टी के लिए हम थैंक्स बोलता। थैंक यू मिस मेरी, थैंक यू ये कहने की मुझको दिलेरी है। हाय मिस मेरी है, मिस मेरी है। तुम हमारे नेम पर पोट्री करता है। कोठरी? कौन सी कोठरी? कोठरी नहीं, पोएट्री। अरे तुम बड़ा शरीर है, छटा था। अरे मजनू बात सुन, वो मिस मैरी से चाय का बिल क्यों नहीं लिया? ये दिल का मामला है छटंकी, बस देखते जाओ। अरे दिल के बच्चे, ये 8 रुपए 12 आने का बिल क्या तुम्हारा बाप अदा करेगा? बाप को क्यों तकलीफ देते हो बेटा, बिल मैं अदा करूँगा। 8 रुपए 12 आने मेरे हिसाब में काट लेना। मैं कौन कौन से बिल तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा? 20 रुपए तो तुम्हारी तरफ पहले ड्यू है, 8 रुपए 12 आने मिलाकर अब कुल 28 रुपए 12 आने हो गए। बस छटा की मेरे सामने तुम ये जमा और तफरी के सवाल नहीं क्या करो। भला आशिक को हिसाब से क्या वास्ता, पूरी वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सारा बिल मुझे तनख्वाह से कटाना है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। आदा आदा आदा। हाँ मजनू, अब ये बिल तुम्हारी बीवी को दिखाना ही पड़ेंगे। चटंकी के होते हुए तुम मिस मैरी से इश्क नहीं लगा सकते। Thank you.
हंगामा कर रहा है, भला एक मामूली पर 10-15 यानी 20-25 रुपए का होगा। जी हाँ, 20-25 का। देखिए मिस्टर, बात दरअसल ये है। अच्छा, तो आप स्मगलर हैं? जी नहीं, मैं स्मगलर नहीं, मैं तो सोने का धंधा करता हूँ। अगर आपका सोना चोरी हो गया है बड़े मियाँ, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। पुलिस? जी नहीं, ये कुछ छूट नहीं करता, मैं खुद निपट लूंगा, मैं खुद निपट लूंगा। शुक्रिया दोस्त, तुमने एक मुसीबत से निजात दिलाई। मुसीबत कल जरूर गई है, अब नहीं गई। आदमी होशियार मालूम होते हो। क्या नाम है तुम्हारा? नासिर। तालीम कहाँ तक है? सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। नौकरी करोगे? नौकरी? कैसी नौकरी? मुझे तुम्हारे जैसे एक पढ़े लिखे और होशियार सेक्रेटरी की जरूरत है। 700 रुपया मवार तनख्वाह दूंगा, रहना सहना खाना पीना मुफ्त। मुझे मंजूर है, लेकिन काम क्या करना होगा? काम की बात छोड़ो, हमारे साथ रहने वाले सिर्फ दाम वसूल करते हैं। मिस्टर मजनू, किधर आइए। देखो मिस्टर नासर को रूम नंबर 42 में छोड़ा हूँ, आज से ये हमारे सेक्रेटरी हैं। रूम नंबर 42। अच्छा, यू आर राइट, 42। चलिए 42। सर,
कुछ नहीं बोलते, तुम बहुत झूठे। अरे किसी बात की, मैं झूठा हूँ? पूरे वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं हुआ। तुमने कहा वैरायटी शो पर चलने को कहा। हाँ हाँ जरूर 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 चलेंगे। तो कब चलेंगे? अभी चलेंगे, आज चलेंगे। क्या हमारा कमरा तो बताते जाओ। कमरा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ कमरा, वो कमरा वो सामने है, सामने। जब तू देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सिर्फ आप और इस कमरे में? जी नहीं, मैं वो जरा ऐसे ही। तो जनाब यहाँ भी तशरीफ ले आए। आप इन्हें जानती हैं? मैं तो नहीं जानती, लेकिन इन्होंने मुझे अच्छी तरह जान लिया है। आज वापस लौटते हुए इन्होंने मुझे चंद बदमाशों के हाथों से छुड़ाया, और अब शायद जी मुझ पर एहसान जिताने और अपनी बहादुरी का इनाम लेने आए हैं। जी जी नहीं, ये बात नहीं है मुसलमान, वो तो मेरा अखलाकी फर्ज था। और फिर आप तो अच्छी तरह समझती हैं कि मैं एक शरीफ आदमी। जी हाँ, ये आपकी शराफत है जो आपको एक लड़की का पीछा करते हुए यहाँ तक ले आई। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि? जी हाँ जी हाँ, दरअसल मैं खुद आया नहीं बल्कि लाया गया। मेरा ख्याल है मजनू का बच्चा इन्हें गलत कमरे में छोड़ गया है। नासिर, ये है मिस नीला, हमारे होटल की मशहूर डांसर, और ये है मिस्टर नासिर, हमारे होटल के नए मैनेजर। बड़ी खुशी थी आपसे मिलकर। मिस्टर नासिर आज ही आए हैं और इसी होटल में रही हैं। तो गोया इसी कमरे में? जी नहीं जी नहीं। ओ, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। आधा बच्चा मिस नीला, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या बात है? एक बहुत बड़ी रकम हाथ लगी है। बास को खुशखबरी देने जा रहा हूँ, वापसी पे मुलाकात होगी। जलसा जलसा जलसा, ये जलसे जुलूस आपको पीछा भी छोड़ेंगे नहीं। परसों आपने हड़ताल कराई, कल जुलूस निकाला, आज फिर जलसे पर जा रहे हैं। क्या शहर में और कोई लीडर नहीं रहा? लीडर तो बहुत है डार्लिंग, लेकिन सेठ सुलेमान सिर्फ एक, हर जल से जुलूस की कीमत अदा करता है। यही तो मैं पूछती हूँ, इन कामों पर रुपया जाया करने से क्या फायदा? तुम नहीं समझती, लोग सिर्फ ताकत के सामने झुकते हैं, उन्हें खोटे और खरे की कोई तमीज नहीं। वो दिल नहीं देखते, दौलत की झंकार सुनते हैं। मगर आप लोगों को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? बेवकूफ पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आ गए जाफर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार। क्या संदूक की दिया है? ये रही बात, 2 लाख से कम कीमत ना होगी। गुड, वेरी गुड। लो अंजला, इसे संभाल कर रखो। तो हाँ, वहाँ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? जाल में फंसा हुआ पंछी फड़फड़ाता तो जरूर है, लेकिन नासिर ने उसके पर नोच डाली। कौन नासिर? मेरा न्यास, मैंने उसे आज ही नौकर रखा है। लड़का पढ़ा लिखा और होशियार है, बस इशारे पे काम करेगा। इन तमाम खूबियों के बावजूद वो काबिल एतमाद भी है कि? क्यों नहीं, जाफर का इंतखाब कभी गलत नहीं होता। बात वेरी गुड, ऐसे ही आदमी की जरूरत है। उसे सब काम समझा दो और खुद जरा होशियार रहो, पुलिस हमारे ताकुब में है। देखा जाएगा बात, मैं भी उड़ती चिड़िया के पर गिनता हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम्हें कुछ और कहना तो नहीं? नहीं बात। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आने पर मेरा इंतजार न करना, शायद मुझे देर हो जाए। जाए
नहीं होती जाफर। और भंवरा भी हर फूल के गिर्द नहीं मंडलाता, वो भी सिर्फ उसी फूल पे बैठता है जिसमें बात भी हो और मिठास भी। जानते भी हो भंवरा तो सिर्फ रस का लोभी होता है, मगर जाफर सिर्फ फूल की खुशबू पे मरता है। तुम्हारी यही बातें मुझे पागल कर देती हैं जाफर। मोहब्बत करने वालों को लोग पागल ही कहते हैं अंजला, लेकिन उनकी दुनिया दूसरों से अलग होती है। तो फिर मेरे करीब आकर मुझे उसी दुनिया में ले चलो जाफर, जहाँ धड़कनों के सांस पर दिल का गीत गाया जाता है। यकीन दिलाऊं, अगर लालटेन लेकर भी ढूंढो तो तुम्हें मुझ जैसा असली खानदानी शोहर पाकिस्तान तो क्या पूरी वर्ल्ड में नहीं मिल सकता। मजनू वो लोग कहाँ पैदा होते हैं? बस बस, अपनी खानदानी शराफत का ढोंग रहने दो, तुम मुझे ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकते। धोखा? तो क्या तुम मुझे धोखेबाज 420 यानी कि मिस्टर हेर फेर समझती हो? नहीं, तुम तो जलेबी की तरह सीधे हो, भला ये क्यों बताओगे? होटल में आवारा लड़कियों के पीछे फिरते और उन्हें अपने हिसाब में चाय पिलाते हो? हाँ, जरूर तुम्हें किसी ने बहका दिया है, वरना मेरा लड़कियों से क्या वास्ता? मैं सब जानती हूँ, क्या तुमने मिस मेरी और उसकी सहेलियों को 8 रुपए बार आने की चाय नहीं पिलाई? ओ हाँ, यानी कि वो मिस मेरी। और आते जाते जो अंगूरी के फूल मारते हो? है, है। फूल तो मैं अंगूरी को मारता हूँ, मगर तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? हाय मेरे अल्लाह, शर्म तो नहीं आती? शादी मुझसे की, इशारेबाजी दूसरी लड़कियों से करते हो, चाय मिस मेरी को पिलाते हो, फूल अंगूरी को मारते हो। नहीं समझोगी, ये तो फैशन है लैला, फैशन। आजकल हर बड़ा आदमी लड़कियों को लिफ्ट देता है। पूरी वर्ल्ड का दस्तूर है कि लेडीज फर्स्ट, यानी कि लड़कियों से पहले बात करो। अगर मैं होटल में लड़कियों के साथ खेल लेता हूँ तो तुम्हें मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? हाय हाय, मिर्गी का दौरा पड़े तुम्हारी उनको। ऐसा ना बोलो लैला, ऐसा ना बोलो, मेरे हार्ट को कुछ होता है, मैं तो तुम्हें भी फैशनेबल बनाना चाहता हूँ। अगर तुम ये अपने बाल कटवा दो तो कितनी खूबसूरत नजर आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ होटल में डांस करूंगा, यानी कि रॉक एंड रोल। हम दोनों मियां बीवी नाचेंगे, दुनिया देखेगी। मैं ऐसे फैशन पर लाना भेजती हूँ, ये फैशन नहीं बेहयाई है। नहीं लैला, पूरी वर्ल्ड बेहया नहीं हो सकती, तुम्हें फैशनेबल बनना पड़ेगा, मेरी खातर, मेरे दोस्तों की खातर। ये मेरा हुक्म यानी कि ऑर्डर है। बस बस, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, लो संभालो अपनी चाबियां, मैं चली मैके। ये बात है, बहुत अच्छा,
तुम महके चली जाओ, मैं अपनी ससुराल चला जाता हूँ। अगर लड़ाई है तो फिर लड़ाई सही। हाँ तो करो तीन यके। दौलत तो हार चुके जाफर, अब नीला का। अगर नीला का नाम लिया तो जुबान खींच लूंगा। वो ठीक ही कहता है बॉस, नीला ने अपना हीरो खुद तलाश कर लिया है। हीरो? कौन हीरो? वही नासर, आपका नया सेक्रेटरी। क्या रखते हो? रखता नहीं हूँ बॉस, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। आजकल नीला की जवानी नासर के बाजों में झूल रही है और इस वक्त दोनों होटल से गायब है। तो फिर वो कहाँ हो सकते हैं? देखे जो तेरे इस मुखड़े को तो चांद कहे अल्लाह गनी अल्लाह गनी। सूरत सोहनी आंखें मोहनी पलके हैं तनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी। चंदन सा बदन रेशम सी लचक सांसों में महक आंखों में हया, हंसने में कशिश बातों में वफा चलने में अदा है सबसे जुदा। चमके आंखें धमके जैसे हीरे की कनी अल्लाह बनी अल्लाह बनी। देखे जो तेरे इस मुखड़े को तो चांद कहे अल्लाह बनी अल्लाह बनी। उड़ता आंचल जो बन बेकल उलझे गे सुबिखरा काजल, सादा भी है रंगीन भी है हो जैसे किसी शायर की गजल। शर्मा जाए जो घटा देखे ये जुल्फे घनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी। देखे जो तेरे इस मुखड़े को तो चांद कहे अल्लाह गनी अल्लाह गनी। अब क्या पर्दा अब कैसी हया मुखड़े से आंचल सर का दो। बेचैन हूँ मैं शाने पे मेरे ये रेशमी जुल्फे लहरा दो। क्या कहना ऐसे हूर कोई दुल्हन हो बनी अल्लाह हो बनी अल्लाह हो बनी। देखे जो तेरे इस मुखड़े को तो चांद कहे अल्लाह बनी अल्लाह बनी। हम तुम थे जुदा सुना था जहाँ तुम हम जो मिले हुई दुनिया हसी है और हजारों दुनिया में पर तुम सा कोई देखा ही नहीं। मिलते ही तेरे ये बिगड़ी हुई तकदीर बनी अल्लाह बनी अल्लाह बनी। देखे जो तेरे तो जान कहे अल्लाह बनी अल्लाह बनी।
सावन के बादलों की तरह कहाँ से उड़ी चली आ रही है मेरी सरकार। यूं ही जरा घूमने चले गए थे, लेकिन आप इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? अगर मुझे आपकी फिक्र ना होगी तो और किसे होगी? और फिर आपकी होटल से गैर हाजिरी के मुतालिक पूछना भी तो मेरा फर्ज है। मैं होटल में 24 घंटे की मुलाजिम नहीं, मेरी ड्यूटी के औकात मुकर्रर हैं और जिन्हें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करती हूँ। ये तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों की नई दिलचस्पियों के बारे में पूछ लेना तो कोई बुरी बात नहीं। माफ कीजिएगा मिस्टर जाफर, मैं ना किसी की दोस्त हूँ और ना दुश्मन। आपको मेरी जाती दिलचस्पियों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये तो मैं आप ही की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ मिथिला। आप यहाँ की बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, एक नामवर हीरोइन, और एक हीरोइन को इतना आम नहीं हो जाना चाहिए कि वो आवाम की नजरों से गिर जाए। मैं अपनी कदरों की कीमत आपसे बेहतर समझती हूँ। मेरा मतलब भी दरअसल यही था, आपको नासिर जैसे छोटे मुलाजिम के साथ देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मिस्टर नासिर औरत में आपसे छोटे जरूर हैं, लेकिन इंसानियत में आपसे बहुत ऊंचे हैं। आज आप मेरी तौहीन कर रही हैं। जो इंसान दूसरों को छोटा समझे वो खुद भी इज्जत के काबिल है। हजूर लौट आए शहर से? जी हाँ, ज्यादा दूर नहीं गए, बस करीबी से लौट आए। बहुत अच्छा किया तुमने, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक ही कदम उठाना चाहिए। लेकिन जब से तुम आए हो नीला का दिमाग तुमने खराब कर दिया। जी यही मैं भी महसूस कर रहा हूँ। अगर हुजूर इजाजत दी तो मैं नीला के और करीब होकर उसका दिमाग दुरुस्त कर दूँ। नहीं, तुम्हें उस्ताद के माल पर हाथ साफ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ओ, तो ये तकलीफ थी आपको? मुझे तुम्हारा नीला के साथ फिरना है बिल्कुल ठीक, मैं भी नीला के साथ फिरना बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन नीला मेरे साथ फिरना पसंद करती। तो फिर इन दोनों में से तुम्हें एक चीज पसंद करना होगी, या अपनी नौकरी या नीला की जवानी। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं उस्ताद जी, लेकिन मुझे तो नीला ही ज्यादा आदमी है। देखा जाए। थैंक यू मिस्टर मजनू, आज का टी वंडरफुल था, इसके लिए हम थैंक बोलता है। टी वंडरफुल था तो आज दिल भी वंडरफुल है, सिर्फ 15 रुपए 50 पैसे का बनता है। थैंक मिस्टर मजनू, आज क्या बात है, तुम हमसे चाय का बिल मांगता है। आज गर्मी बहुत है, मैं बस चाय भी गर्म बिल भी गर्म, और आज तुम भी गर्म भाई, इस चाय का बिल हमारे दिल का लौ में काटो। लौ का खाता बंद कर दिया है मेम साहब, ये बिल तो देना ही होगा। ओ, तुम हमारे लव को इंसल्ट कर रहा है, वेरी बैड, हमारा फ्रेंड क्या बोलेगा। मिस मेरी जल्दी से ये बिल अदा कीजिए, मुझे और भी बहुत जरूरी काम है। ओ, तुमने आज हमारा ग्रेट इंसल्ट किया है, हम कभी इस होटल में नहीं आएगा, बाकी का पैसा लाओ। हमने बिल लिया है, दिल नहीं, मिस मेरी। लगने क्या बात है, आज तो मिस मैरी से भी दिल वसूल कर लिया। अरे छटापी, हसीनों से दिल वसूल करने के लिए भी शेर का दिल चाहिए, शेर का दिल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आज तो तुमने कमाल कर दिया, मिस मैरी से 100 का पापा उड़ा लाए, ऐसे पिछले दिल भी काट दो। हाँ हाँ जरूर जरूर, अगले पिछले सारे बराबर करो, रोज रोज ऐसी नहीं पड़ती बादशाह। मिस्टर मजनू अपनी जगह से निकाल ले लो। अरे है बाबा, चलो लगे हाथों से भी काम किया जाए। शो की जल्दी समझ में आज तुम गाऊंगी, ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन नाच होगा। घुंघरू को थे सुन पायल मेरी, मेरे साए हो
कट धड़ा कट धड़ा धिन तथा धिन तथा धिन कट धड़ा न कट धड़ा कट धिन 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 धड़ा मैं इन बदमाशों की बदमाशी निकाल कर ही रहूंगा। नहीं ना सर, ये इनका और मेरा चल रहा है। इस बात का फैसला मैं खुद करूंगी। Thank you.
चलो मेरे साथ। नीला होटल में डांस नहीं करती, हसीना ने आने से इनकार कर दिया है, सितारा को लोग पसंद नहीं करते, नीला होटल छोड़कर जा चुकी है तो फिर अब प्रोग्राम का क्या होगा? मैंने लुगना को भी दौलत का लालच दिया लेकिन वो कहती है मैंने नाचना छोड़ दिया है। ठीक है, आजकल वो खुद नहीं नाचती बल्कि दूसरों को नचाती है, खैर देखा जाएगा। मैं भी आज वो कयामत पेश करूंगा कि लोग नीला को भूल जाएंगे। जाओ ऐलान कर दो, आज ग्रीन होटल के स्टेज पर वादिय नील की हसीन नागिन सबिया जमाल अपने फन का मुजहरा करेगी। सबिया जमाल? हाँ हाँ, आजकल वो हमारे मुल्क का दौरा कर रही है, मैं अभी उसे टेलीफोन करता हूँ। लेकिन सबिया जमाल तो एक हफ्ता हुआ काहिरा वापस जा चुकी है, मैंने खुद अखबार में खबर पढ़ी है। खबर पड़ी है तो फिर अब क्या होगा? परेशान होने की जरूरत नहीं बाप, ग्रीन होटल की स्टेज पर शो होगा और जरूर होगा। क्या कहा, शो होगा? हाँ, अगर नीला चलेगी तो क्या हुआ, आप मुझे जान दीजिए, ऐसा प्रोग्राम पेश करूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। तो फिर यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ प्रोग्राम का बंदोबस्त करो। अच्छा सुनो, तो क्या तुम पब्लिक को मुतमैन कर सकोगे? क्यों नहीं, आपने सिर्फ मुझे देखा है, मेरे अंदर छुपा हुआ आशीष नहीं देखा जो एक मुद्दत से बाहर आने के लिए बेकरार है। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरी तरफ से इनाम पाओगे। अच्छा, तुम माल रोड पर शाम डले ना टैडी बनकर फिरा करो, बलिए ओ बलिए ना टैडी बनकर फिरा करो। उल्टा फैशन ये उभरा उभरा जो बन, ये उल्टा पुल्टा फैशन ये उभरा उभरा जो बन, तू जीनत है घर की तू बाजार की रौनक ना बन, यूजर को पर तुम कर नंगे ना तान किसी ना चला करो। शाम डले ना टैडी बनकर फिरा करो, हलिए हलिए निकलिए ना टैडी बनकर फिरा करो। हाय 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 हाय, तू चलती है थोड़ा थोड़ा हो जैसे अड़ियल घोड़ा, थोड़ा थोड़ा हो जैसे अड़ियल घोड़ा, गिर जाए तो उठ न सके तू पहन के टैडी जोड़ा, लानत भेजो इस फैशन पर ये फैशन तुम ना किया करो। Thank you.
किया करो। माल रोड पर शाम डले ना टैडी बन कर फिरा करो, बलिए बलिए ना टैडी बन के फिरा करो। लैला ये हार तुम्हें पसंद है ना? ये नौलखा हार तो नहीं, लेकिन मैं इसे नौलखा बाजार से जरूर लाया हूँ। तो क्या ये हार मेरे लिए लाए हो? तुम्हारे लिए नहीं तो और किसके लिए लाऊंगा? फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ों के फुलके उड़ा दिए। राजा 12 बरस तक अपनी हीर की भैंसे ही चराता रहा, तो क्या मजनू अपनी लैला के लिए ये मामूली सा हार भी नहीं ला सकता? ये हार नहीं, मेरी मोहब्बत की जीत है लैला, मोहब्बत की जीत है। तो क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है? मजनू को लैला से नहीं तो क्या साहिबा से मोहब्बत होगी? ओह माय डियर मजनू, इंग्लिश में मोहब्बत नहीं, उर्दू में प्यार करो। उर्दू कितने अच्छे हो मजनू, मगर कभी कभी। हाँ लैला, कभी कभी मुझे लड़ाई का दौरा पड़ता है। दौरा पड़ता है? हाँ, आइंदे अगर ऐसा दौरा पड़े तो तुम मेरे करीब ना आया करो। अच्छा अंजला, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, मालूम होता अपना आप ही खोया है। तुम्हें देख लेने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम मिल जाती हो मगर मैं गुम हो जाता हूँ। बातें बनाना तुम्हें खूब आती, लेकिन मुझसे मिलने के बाद भी तुम्हारी उदासी दूर न हो सकी। क्यों लगता है जैसे कि बहुत बड़ी बाजी हार चुके हो? जाफर ने कभी हारना नहीं सीखा, उसकी हार भी उसके लिए जीत का सामान पैदा कर देती। तो फिर गम किस बात का है? जब तक तुम मेरे हो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। लाख दो लाख कितना चाहिए? मैंने दौलत नहीं, किस्मत हारी है अंजला, लेकिन आखिरी जीत मेरी ही होगी। तुम तो पहेलियों में बातें करते हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हर बात को समझने की कोशिश न करो अंजला, बस बातें पढ़ते ही नहीं अच्छी लगती है। मैं अभी आया अंजला। क्या खबर लाए ममूरे? मैंने उन दोनों के पास चला लिया बॉस। बहुत खूब, तो फिर आज रात के 12 बजे, समझे? लेकिन जरा होशियारी से। ओके बॉस। आज तो दिल की बात कह डालो। क्या क्या आपको मुझसे प्यार नहीं? बहकी बहकी सी बातें करते हो। क्या क्या हम पे तुम्हें एतबार नहीं? आज तो दिल की बात कह डालो। हर कदम पे सजी अब खुशी होगी, बातों बातों में अब दिल लगी होगी। तो नहीं। आज तो दिल की बात कह डालो। क्या क्या आपको मुझसे प्यार नहीं? बहकी बहकी सी बातें करते हो। क्या हमसे तुम्हें नहीं? आज तो दिल की बात कह डालो। बन के दुल्हन जब मुस्कुराओगी, मांग फूलों से जब सजाओगी, हर
दिल की बात कह डालो क्या आपको मुझसे प्यार नहीं बैठी बैठी सी बातें करते हो क्या हमसे तुम्हें एतबार नहीं आज तो दिल की बात कह डालो सांसों में आती है किसको खामोशी मेरी भुलाती है क्या ये मेरे चमन की बहार नहीं आज तो दिल की बात कह डालो क्या आपको मुझसे प्यार नहीं बहकी बहकी सी बातें करते हो क्या हमसे तुम्हें एतबार नहीं आज तो दिल की बात कह डालो है। तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया मेरे बारे में हाँ। मेरे माजी के अंधेरों में झांकने से तुझे क्या नजर आएगा मुमकिन है मेरे हालात जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगे क्या माजी में तुम चोर डाकू कातिल थे मैंने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया नहीं तो फिर लेकिन चोरी डकैती और कत्ल के अलावा एक और जुर्म भी है जिसका मैं गुनहगार हूँ वो कौन सा जुर्म है गरीबी और बदनसीबी लेकिन गरीब होना कोई जुर्म नहीं यही तो हरी भूल है नीला गरीबी सबसे बड़ा गुनाह है जिसे दुनिया कभी माफ नहीं करती बदनसीबी एक ऐसी सजा है जो इंसान से जिंदगी की खुशियां छीन लेती है मैंने एक दौलतमंद बाप के घर में जन्म दिया लेकिन किस्मत मुझे गुर्बत के अंधेरों में खींच लाई बदनसीबी ने मुझसे बाप की शफकत भाई की मोहब्बत और माँ की ममता से महरूम कर दिया जमाने की टोकरे मेरा मुकद्दर बन गए फिर तो वाकई तुम बहुत दुखी मालूम होते हो इससे बड़ा एक और सदमा भी है नीला जवान भाई का कत्ल यतीमी के दाग से कहीं ज्यादा गहरा है मेरा भाई कस्टम ऑफिसर था एक रात किसी स्मगलर ने उसे गोली का निशाना बना लिया माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी नीला और मैं इस दुनिया के सितम सहने के लिए अकेला रह गया लेकिन मैं उस वक्त तक हालात का मुकाबला करता रहूंगा जब तक अपने भाई का कातिल को तलाश न कर लूं इतना जमाना हो गया है तुम उसे कहाँ तलाश करोगे कत्ल कभी नहीं चुकता नीला खून एक न एक दिन खुद बोल उठता है मुझे एक रास्ता मिल गया है यकीन है मैं कातिल तक जा पहुंचूंगा यकीन रखो नासिर मैं भी हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी नीला अच्छा तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ गांव से दूर होकर तुमने ये समझ लिया था कि मेरे दिल से भी दूर हो जाओगी मेरी तमन्नाओं की जन्नत ढूंढ कर तुमने नासर की दुनिया बात करना चाहिए जिस तरह तुमने मेरी आरजुओं का चमन वीरान कर दिया है उसी तरह मैं तुम्हारी खुशियों के फूल मसल दूंगा जिस तरह तूने मेरा सुकून लूट लिया है उसी तरह मैं तुम्हारे दिल का चैन छीन लूंगा नहीं
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कानून से तआवुन किया है। मैं नीला की जिंदगी के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। घबराइए नहीं मिस्टर नासिर, पुलिस नीला को हर हालत में ढूंढ निकालेगी। मैं इसी वक्त अपने आदमी रवाना करता हूँ। गला नहीं घोटा, उसकी परवरिश की, तुमने आग बुझाई नहीं, भड़काई है। नीला के रूप में तुमने अपनी मौत को अगवा किया है और पुलिस को होटल का रास्ता दिखाया है। पुलिस को क्या खबर हो सकती है बास, उसके फरिश्ते भी नीला का पता नहीं लगा सकते। ये मत भूलो जाफर, सजा साई की तरह जुर्म का ताकुब करती है। पुलिस नीला को जमीन की छाती से भी ढूंढ लाएगी। तुम्हारा एक जुर्म कई जुर्मों का पता देगा और हम सब कानून के शिकंजे में जकड़ लिए जाएंगे। मैं मजबूर हो गया था बास, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, नीला मेरी जिंदगी है। जिंदगी के धोखे में तुमने मौत को मेहमान बना लिया है। अभी अभी होटल में पुलिस तुम्हें ढूंढने आई थी, मेरे ख्याल में तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। तो फिर मैं नीला को रिहा किए देता हूँ। खबरदार, ऐसी हिमाकत कहीं भूल कर भी न कर बैठ, अब उसकी रिहाई भी तुम्हारे पाँव की जंजीर बन जाएगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बॉस? अब उसका एक ही रास्ता है, तुम अपनी गलती की जबान काट दो कि वो बोल न सके। अपनी जिंदगी को मौत की नींद सुला दो तो तुम्हारे पाँव की जंजीर न बन सके। क्या कहा बॉस? शतरंज की बाजी में जब छा पिट रहा हो, वजीर कुर्बान कर दिया जाता है। जुर्म को पालने के बजाय जड़ से काट देना ही अकलमंदी है। नीला को खत्म कर दो। नीला को खत्म कर दूं? अपनी जिंदगी को मौत की नींद सुला दूं? ये मैं कैसे कर सकूंगा बॉस? खामोश, मेरे हर आदमी में इतनी जुर्रत होनी चाहिए वो बास के हुक्म पर अपनी मोहब्बत का गला घोट सके। हम जुर्मों से खेलते हैं, उनकी परवरिश नहीं करते। जाओ, नीला का किस्सा हमेशा के लिए पाक कर दो, ये मेरा हुक्म है। बहुत बेहतर बास। आपको जरा मेरी निगाह से देखिए, आप जवानों से ज्यादा तंदुरुस्त और खूबसूरत नजर आते हैं। अब मैं क्या खूबसूरत नजर आऊंगा डार्लिंग? 50 बरस का हो चुका हूँ, इस उम्र में लोग बूढ़े हो जाया करते। मेरे लिए आप ऐसे, मेरी मोहब्बत आपको फिर से जवान कर देगी। जवानी तो खून की गर्दिश का नाम है डार्लिंग। नहीं, जवानी मोहब्बत का नाम है। मोहब्बत का शोला भड़कता रहे तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। सच? मैंने आपसे जो प्यार किया, मेरा प्यार आपको हमेशा जवान रखेगा। मैं आपके लिए बाहरों से रंग और सितारों से रोशनी मांग रहा हूँ। तुम तो खुद एक ऐसा फूल हो जो बाहरों का। आज मैं अपने जज्बात के तूफान को नहीं रोक सकता, आज तुम्हें मेरी मोहब्बत के भड़कते हुए शोलों को फूल बना। फूलों के धोखे में तुमने कांटों को मेहमान बना लिया है जाप, याद रखो ये तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। मैंने तो इसी वक्त के इंतजार में हर खतरे को अपना दोस्त बना लिया था। आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ
तुम्हारी बहकती हुई जवानी के अंगारे अपने दामन में भर लो। अरे मरमरी जिस्म की हसीन कायनात अपने बाजुओं में समेटो। तुम्हें जवानी की उन लज्जतों से आशना कर देना चाहता हूँ जिनसे तुम आज तक बेखबर हो। तुम एक फितना हो, मैं तुम्हें आज कयामत बना देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ निकल। बहुत बुरा चाहते हो जाफर, और जो कुछ तुम चाहते हो क्या मैं तक पूरा। तुम्हारे इनकार ने मेरी मोहब्बत की आग को और भड़का दिया है नीला। किसकी इजाजत से आए हो? बाद मेहमान बिन बुलाए भी आ जाया करते। लेकिन मैं ऐसे मेहमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया करता। क्या चाहते हो? मैं जिस मकसद के लिए आया तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नीला का पता पूछ के आया। बताओ कहाँ है नीला? खूब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नीला को तुम खुद यहाँ से भगा कर ले गए थे, अब मुझसे उसका पता पूछने आए हो? देखो जा, तुम आग से खेल रहे, इसका अंजाम अच्छा ना हो। अंजाम की परवाह करने वाले मेरे नजदीक बोल से चलाते हैं। मैं नहीं जानता नीला कहाँ। मुंह से बोलते हुए जिन छुपा नहीं करते। मैं तुम्हारे कारनामे की सलाह पुलिस को दे चुका। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? कुछ भी बताने। हर वो हाथ जो नीला की तरफ उठेगा काट दिया जाएगा। अगर उसे जरा भी तकलीफ पहुंची तो खून के एक एक पतरे का हिसाब दिया जाएगा। तो तुम्हें कितना ख्याल है नीला का, उससे तुम्हारा क्या वास्ता? नीला मुझसे अलहदा कोई चीज नहीं। तो फिर इस वक्त उसकी रूह तुम्हारे अंदर बोल रही है। लेकिन मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। याद रखो मैं इंसान नहीं परिंदा हूँ। घबराओ नहीं, मैं भी शिकारी। तो फिर तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ घेर लाई है। अब तुम यहाँ से बचा नहीं जा सकते। Yeah.
चाहती हो तो चुपचाप पड़ी रहो और मेरे हुक्म की तामील करो, वरना अपना अंजाम खुद सोच लो। अगर बोलने की जरूरत थी तो गोली मार दूंगा। बाहर जाओ और नीचे नहीं करो, बुझाओ। सब जवान तैयार हो गए? बिल्कुल तैयार है जनाब। आज हम ऐसे मुजरम को गिरफ्तार करने जा रहे हैं जो होशियार भी है और मक्कार भी, लेकिन वो भूल गया कानून मुजरमों को कभी माफ नहीं करता। हेलो, क्या कहा नीला भी वहां पहुंचा दी गई है? तो आज एक चीज से दो शिकार होंगे। जल्दी चलो, कहीं मुजरम फरार ना हो जाए। मैंने तुझे रूप में देख लिया, अब तुम अपनी झूठी मोहब्बत का फरेब नहीं दे सकती। अब मेरे दिल पर तुम्हारे हुक्म का जादू नहीं चल सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या अब कुछ बिगाड़ना बाकी रह गया? मैंने तुम्हारी खातिर अपनी औलाद को, अपनी वफादार बीवी को तुम्हारे हुक्म पर कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम्हारी जवानी मुझे छोड़कर दूसरों के बाजू तलाश करके फिर मैं तुमने जो कुछ किया अपने ऐसे आराम के लिए, अब अपने गुनाह का बोझ मेरे कंधे पर डालना चाहती। खामोश दलील औरत, ये आग तुम्हारे ही उसने भड़काई थी, अब तुम्हें उसी प्रकार का ईंधन बनना होगा जिससे मेरी खुजत जल कर राख हो गई है। मगर ये न भूलिए, मेरे हाथ में पिस्तौल है, आगे बढ़े तो गुम चुना। मैं जानता था जो औरत मेरी इज्जत से खेल सकती है वो मेरी जिंदगी का सौदा भी कर सकती है, लेकिन याद रखो ये लोहे का टुकड़ा सिर्फ मर्दों का दोस्त, तुम जैसी दलील औरतों का साथ नहीं दे सकता। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी ये परेशानियां बहुत जल्द खत्म की देता, तुम्हारे जिस्म से जान निकली मगर आवाज सुनाई नहीं देगी, सांस छूटेगा मगर संकार नहीं होगी, मेरी उंगलियां गला दबाने में माहिर है। बेवकूफ औरत, सुलेमान की किताब में राम का वर्ष नहीं। तुम आ गए, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, आओ मेरे साथ। मेरे सामने झूठ बोलने वाले का क्या नतीजा होता है,
ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें बताना होगा कि उस वक्त तुम यहाँ क्या लेने आए। मैडम मुझे अपने साथ सिनेमा ले गई थी, बस मैं खोलने चलाया। मैंने नीला के बारे में तुम्हें क्या हुक्म दिया? आपने कहा था कि मैं उसे कत्ल कर दूँ। तो फिर क्या हुआ? मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी थी। क्या कहा? आपने खुद ही कहा था कि जुर्म की परवरिश करने की बजाय उसे हमेशा मौत की नींद खिला दो। मैंने यहाँ से जाते ही नीला का गरीबान पकड़ लिया। वो रोई चूसी चिल्लाई, मुझे अपनी मोहब्बत का वास्ता देने लगी। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत को अपने बाप के हुक्म पर कुर्बान कर दिया है। अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ में नहीं बचा सकती। फिर क्या हुआ? मैंने खंजर उठाया और उसके सीने में घोंप दिया। बहुत चूसी हर मेरे कदमों पर तड़प तड़प कर जान दे। तो तुम नीला का काम तमाम कर चुके? जी हाँ, अब तो उसकी लाश गटर में सड़ चुकी होगी। हो, अगर तुम वाकई नीला को खत्म कर चुके तो मैं पूछ सकता हूँ तो ये तोड़ो। बात से पहचान लो, क्या तुमने इसी नीला को खत्म किया? मैं मजबूर हो गया था बाप, मुझे उसकी मोहब्बत में बुजदिल बना दिया था। तो 15 वर्ष पहले भी तुम्हारी खातिर मुझ पर कयामत टूट पड़ी। जब तुम खुफिया कागजात का फैला पूरी चाहती छोड़कर भाग आए थे, मुझे छोड़ने की खातिर अपने जवान के लिए हुक्म को कदम करना पड़ा। इसके सदमे से मेरी बीवी पागल हो गई और मेरा छोटा बेटा नाथ कहीं गुम हो गया। मैंने तुम्हारी खातिर अपने जवान बेटे के दर्द से हाथ भरे और तुम एक मामूली लड़की के लिए मुझे फरेब देते रहे। तुमने नीला को जिंदा छोड़कर हुक्म अधूरी नहीं की बल्कि मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। लेकिन अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जो मुझ पर और मुसीबत ले आए। अब इसके साथ तुम ही मौत का प्याला पीना होगा। ये जुल्म है बाप, मैंने आपकी खिदमत की है। तुम जैसे नमक हराम नौकर जिंदा रहने के मुस्तैक नहीं, जो मालिक की इज्जत पर भी हाथ डालने से गुरेज नहीं करते। और वो जालिम बाप भी जिंदा रहने का हकदार नहीं, जो अपने बेगुनाह बेटे के खून से हाथ रंगे 15 साल के कानून से दूर रहे। कौन हो तुम? अली हाशिम मजरूम का भाई नासिर, जिसका खून आज तक अपने साथी को छूटा तो तुम अभी तक जिंदा हो। हाँ, इंसानों के जंगल में 3 साल तक कातिल की तलाश नहीं सकता और आज कुदरत मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ ले, जहाँ चालाक मुजरिम शराफत का नकाब ओढ़े दुनिया की आंखों में दूर जोगा। मेरा ख्याल था जमाने की ठोकरों ने तुम्हारा मिजाज दुरुस्त कर दिया होगा, लेकिन तुम भी अपने भाई की तरह गुस्सा मालूम होते हो। क्या आप समझते हैं कि मैं आपके हाकिम के सुल की मुबारक पा चुकी हूँ? आप ये अपने आराम के लिए अपनी औलाद की फिक्र, अपना दिल खत्म करने के लिए खाना खर्च सकता, अपना जुर्म छुपाने के लिए बेटी को जाऊँ। आप किसी ने बात बदल मत दिखा, तुमसे साथ क्या नहीं चलता। मत भूलो, मेरे सीने में अभी तक वही दिल तड़क रहा है जिसकी आवाज गोली से ज्यादा खतरनाक है। याद रखो, मैं मौत का हाथ हूँ और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को खत्म कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको अब भी मौका देता हूँ अब्बा जान, अपने इरादे से बाज आई। कानून का लंबा हाथ अब आपकी गिरेबान से दूर नहीं, अपने आप को कानून के हवाले कर दी। मैं बच्चों के नशे के सुनने का आदि नहीं और न ही कानून के रहम करम पर जिंदा रहना चाहता हूँ। Thank you.
वाले हैं। Thank you.
कर दो। मैं कानून का मुजरिम अपने बेटे का कत्ल हूँ। मैंने दौलत और ऐश आराम की खातिर हर वो काम किया जिसके अंजाम से बेखबर, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया कि जुर्म खुद फर्जी का बंदा बनकर मुजरिम की गर्दन पकड़ लेता है। कानून को देखा देना, अपने आप को फरेब देना है। जिंदगी भर मुझे देखने के लिए तरसता रहा। बेगम, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आराम से बच सकूं। बेगम, बेगम जी वो दरअसल दरवाजा तुम्हारी सहेली ने बंद किया है नीला, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या पर्दा अब कैसी है या मुखड़े से आंचल सरका दो। बेचैन हूँ मैं जाने पे मेरे ये रेशमी जुल्फे लहरा दो। क्या कहना जैसे हूर कोई दुल्हन हो बनी, अल्लाह हो बनी, अल्लाह हो बनी। देखे जो तेरे इस मुखड़े को तो चांद कहे, अल्लाह हो बनी, अल्लाह हो बनी।